हाल ही में हम सब के चहेते शिखर धवन का तलाक हुआ है। इस बुरी खबर से अभी उभरे भी नहीं होंगे कि अचानक से शिखर धवन के लिए एक और बुरी खबर आ गई। दोस्तों, शिखर धवन को T20 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिली है। ये खबर सबके लिए चौंकाने वाली थी। अभी इतना भी काफी नहीं था कि इसी बीच सोशल मीडिया पर शिखर धवन और मिताली राज की शादी की बातें तेजी पकड़ने लगी। लेकिन हाल ही में मिताली राज ने शिखर धवन से शादी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। खबर जानने से पहले, अगर आप शिखर धवन को T20 वर्ल्ड कप के लिए एक अहम खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दरअसल, शिखर धवन के तलाक के बाद सोशल मीडिया पर शिखर धवन की मिताली राज से शादी को लेकर बातें गर्म होने लगी थी। इस पर मिताली राज ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये कहा कि शिखर धवन का हाल ही में तलाक हुआ है, ये बात काफी दुख देने वाली है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही है कि मैं शिखर धवन से शादी के बंधन में बंधने वाली हूँ, तो मैं आपको साफ साफ बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ना ही मैं अभी किसी से शादी करना चाहती हूँ और ना ही मैं अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। जब मुझे इस बात की सूचना मिली कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में ये खबर चल रही है, तो मैं इस बात को खुद बताने आई हूँ, जिससे सबको ये साफ साफ पता चल जाए कि ऐसी झूठी खबरों का मेरे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने धवन सर को सिर्फ उनके खराब समय में उनको सद्भावना दी थी और इसका लोगों ने गलत मतलब निकाल लिया है। वो मेरे से उम्र में 2 साल छोटे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे शादी कर लूं, क्योंकि मेरा लोगों पर काबू नहीं है और लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। वो कुछ भी बोल और कर सकते हैं और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि वो क्या बोलते हैं। सच तो यही है जो मैंने अभी बताया। तो दोस्तों, मिताली राज ने अपना बयान दे दिया है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? मिताली राज और शिखर धवन को शादी कर लेनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताएं और शिखर धवन को लेकर T20 वर्ल्ड कप में ना लेने पर भी अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।